यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है, 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, होलीडे, तो ईसाई समाज होलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए आप क्या, आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर।